सर ये पनीर है। ओहो भाई साहब, ये देखो, ये चेक करो आप, चाप का पीस पूरा, ये एक प्लेट में मिलता है पूरा, शाने दिल्ली। नमस्कार भैया। नमस्कार जी सर। नमस्कार। क्या सर, आपके पास क्या क्या है सर? शुद्ध साझा बिरयानी होती है। अच्छा, वेज बिरयानी? हाँ जी, वेज बिरयानी होती है। अच्छा, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, सोयाबीन होता है इसके अंदर, पनीर होता है, मटर होता है, ये देखिए ये पनीर होता है सर। एक बार इसको थोड़ा इलाके चलाओ ना। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है। क्या बात है। तो ये आप क्या इसी बर्तन में बनाते हो क्या? ऐसे ही भवन में बनाते हैं सर। अच्छा, फिर इसमें ट्रांसफर कर देते हो? ट्रांसफर कर। अच्छा, इनमें इधर क्या क्या है अपने पास? इधर सर ये पनीर है। क्या बात है, पनीर भी डलता है। हाँ जी। और ये तुम्हारा हरी चटनी होती है सर। अच्छा, ये हरी चटनी आ गई सर, शानदार एकदम, गाड़ी गाड़ी। हाँ, ये दही लगा हुआ होता है। अच्छा, दही वाली। हाँ जी। इसमें क्या है? टमाटर चटनी होती है, मसाले लगे हुए होते हैं सर। स्पाइसी होता है? स्पाइसी होती है सर। अच्छा, और ये भुनी प्याज होती है, ब्राउन कलर की भुनी प्याज, ये बड़ी शानदार चीज है। हाँ हाँ, बिरयानी का मतलब टेस्ट बढ़ा देता है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। ये रायता होता है इसमें। अच्छा, इसमें रायता है, बूंदी रायता। क्या बात है। और ये प्याज जो है, ये नक्शे वाली प्याज होती है। अच्छा, उधर एक अलग से बर्तन और उसमें क्या? हाँ, इसमें सोया चाप होती है। तो मैं उस साइड आता हूँ, एक बार साइड आया। ओहो भाई साहब, ये देखो, ये चेक करो आप, चाप का पीस पूरा, ये एक प्लेट में मिलता है पूरा। क्या बात है। तो एक प्लेट लगा दीजिए हमारी। अच्छा, अपनी प्राइसेस क्या रहती है, कीमत क्या रहती है इसकी? सर ये तो 30 रुपए की प्राइस है। हाँ, सोया चाप 30 रुपए की एक स्टीक है। अच्छा, वन स्टीक। ओके। हाँ जी, दोनों मिलाकर के 60 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए का। अच्छा, चलिए बढ़ाइए। ये तो प्याज होती है सर, दही चटनी होती है, ये दही चटनी वाली, धनिया, अच्छा, लहसुन वगैरह लगा रहता है सर, मसाले वाला। ये टमाटर की चटनी होती है सर। हाँ। और ये ब्राउन प्याज होती है सर, फ्राइड प्याज। ब्राउन यानी कि फ्राई प्याज। अच्छा, फ्राई प्याज होती है, टेस्टी लगती है। ये बिरयानी मसाला होता है, ये हमारे दिल्ली का ही है सर। अच्छा, दिल्ली का है। हाँ जी, शाने दिल्ली इस पर लिखा हुआ मसाले पर। अच्छा, शाने दिल्ली लिखा हुआ ये मसाला होता है सर। शाने दिल्ली। हाँ, दिल्ली से ये मसाला। और सर ये ग्रेवी और चाप हम इस पर लगा भी देते हैं, अलग से भी दे देते हैं। अच्छा, ये ग्रेवी पहले तो हम इस पर डालते हैं। ओके, ये तो रेडी हो गई सर, अभी से आप खाओ। चाप भी डालते हैं? हाँ, चाप भी इस पर डालते हैं। क्या कच्ची है क्या अभी? नहीं ना, फ्राई चाप है सर। अच्छा, नहीं अभी डाली हो, जस्ट ऐसा थोड़ी है। ना ना ना, डाल दो। ये फ्राई प्याज है सर। अच्छा, ये अंदर तक इसमें ग्रेवी भर जाती है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, ये पूरा हो जाता है 60 रुपए का सर। ये 60 रुपए में एक जना पेट भर के ब्रेकफास्ट कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी को खाली बिरयानी चाहिए, वो 30 रुपए की है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लाइए, चम्मच लगा दो इसमें, दो। और रायता अलग से? हाँ जी, रायता अलग से है, ये बूंदी का रायता। उसकी उसकी क्या कीमत है? 10 रुपए प्राइस। 10 रुपए का। अच्छा, चलिए। तो अभी मौसम को देखते हैं, हम लोग तो रायता नहीं लेंगे, बाकी आप लोग चाहो तो रायता भी ले सकते हो यहाँ पे। भाई ये आ गई हमारी प्लेट, और ये देखो आप चाप का पीस देखो एक बार, ये देखो क्या शानदार चाप का पीस, एकदम बोलते हैं ना जो लेग पीस होता है वैसा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन वेज है पूरा। और ये बिरयानी है, ये दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये है, इसको आप दो तरीके से खा सकते हो, एक तो इसकी बाइट ले सकते हो एक एक बार में, और या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, इसे लेके ये इसी के अंदर तोड़ के खा सकते हो आप इसको, जैसे इसी में आपने चाप को तोड़ ली और इसी के अंदर जो है इसकी बाइट बना के ऐसे आप खा सकते हो इसको, इसको जो इन्जॉय करते हैं और आपको बाकी मिलते हैं। तो भाई ये था पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिए। यहाँ पे आइए, लोकेशन वगैरह की बात करूँ तो ये जो है अपना गुप्ता स्टोर वाला चौराया है, ये इधर सामने एवरसन टावर है, इसके बिल्कुल यहाँ पर जो है भैया आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।